हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो बना दिया था जहां पे मैंने एक पर्टिकुलर बैंक को, एक पर्टिकुलर टॉप मोस्ट बैंक, उसके साथ कंपेयर किया था। आप समझ चुके होंगे, IDFC फर्स्ट बैंक को मैंने कंपेयर किया था HDFC बैंक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि IDFC फर्स्ट बैंक ये नेक्स्ट HDFC बैंक बन सकता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर और एक वीडियो बना दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आदित्य बिरला कैपिटल ये जो शेयर है क्या वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन सकता है क्या, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनेगा। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ ये बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी इस देख लेते हैं इन दोनों शेयर को कि आदित्य बिरला कैपिटल नाम बहुत ही बड़ा है, बिरला ग्रुप मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेशन है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ये शेयर चल रहा है 100 के नीचे, 97 रुपीज़ पे आप देख सकते हो। तो ये हो गया एक दिन का चार्ट पैटर्न। 5 दिन का चार्ट पैटर्न जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 100 के ऊपर हुआ करता था, बट फिलहाल अभी ये नीचे ही जा रहा है। एक दिन के चार्ट पैटर्न के साथ साथ 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो 1 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखते हो तो ये देखिए कैसे ये स्टॉक नीचे आ रहा है। मतलब 1 महीने पहले भी अगर प्राइस की बात करें तो 110 पे मिलता था ये शेयर। सो 1 साल की भी चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ही नीचे ऊपर, बट ना तो ये शेयर ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है। एंड उसी के साथ साथ 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं 2017 की बात कर सकते हैं हम लोग, 5 साल एग्जैक्टली नहीं, तो 200 के भी ऊपर 237 पे चलने वाला शेयर आप देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न देख लेना कैसे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ कि चार्ट पैटर्न कैसा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट देखना है, बट वो कैसा होना चाहिए, लेफ्ट से राइट ये ऊपर जाने वाला चाहिए ना कि नीचे जाने वाला। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के मामले में फिलहाल तो ये शेयर कंप्लीटली फेल हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं आपके आंखों के सामने ये सारी चीज़ें मैंने रख दिए। 2017 से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 2018 हो गया, 19 हो गया, अभी 20 भी शुरू हो ही जाएगा। सो लगभग 2 से 3 साल भी होने के बावजूद हम लोगों को ये शेयर कंसिस्टेंटली नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो वापस मैं कल की जो लाइन थी वही बोलना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं है। बजाज फाइनेंस ये NBFC सेक्टर का कितना बड़ा स्टॉक है उसके साथ डायरेक्टली आप कंपेयर करते हो एक बहुत ही गलत चीज़ है। अगर बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन होना चाहिए तो वह HDFC के साथ होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े स्टॉक के साथ होना चाहिए, ना कि ऐसे स्टॉक से रिलेटेड। तो चलिए चार्ट पैटर्न तो देख लिया, अभी हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है। उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी आप देख सकते हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल शेयर मैंने ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग देख लेते कि कंपनी का हाई कितना है एंड लो कितना है। लो तो इसने 75 का बनाया था, हाई जो इसने बनाया था नवंबर 2019 में 114 का बनाया था, बट आप देख सकते हो 237 से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरते ही चला जा रहा है। उसी के साथ साथ फ्राइडे के दिन की बातें हम लोग देख सकते हैं लगभग 50% से ज़्यादा लोगों ने ये शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों का फेवरेट स्टॉक है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है, कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, वो भी हम लोगों को उतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जो अर्लियर क्वार्टर था वहाँ पे 652 रुपीज़ इन लैक्स का प्रॉफिट था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो -4600 का लॉस दिखाई दे रहा है। सो बहुत ही आसान था ये समझने के लिए, क्योंकि चार्ट पैटर्न देख के समझ में आता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो जिस तरीके से चार्ट पैटर्न 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का एंड जो भी 2 से 3 साल का उसका कंसिस्टेंटली ऐसे डाउन ट्रेंड में था, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि रिजल्ट का अंदाजा लगाने के लिए। बट फिलहाल हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट भी इनके लॉस में ही रहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फिलहाल ये स्टॉक, आप लोग कह रहे कि बजाज फाइनेंस, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। एंड वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर इस स्टॉक में अगर आप लोगों को खरीदारी करनी है तो वो कौन से लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। तो चलिए ये तो हो गई, अभी हम लोग आ जाते हैं बजाज फाइनेंस के भी ऊपर, जरा देख लेते जिससे रिलेटेड इसका कंपेरिजन हो रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 4000 के भी ऊपर 4132 का ये शेयर अभी हो चुका है। फ्राइडे के दिन भी हम लोगों को 40 पॉइंट्स की जंप देखने को मिली। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेना अप ट्रेंड में है, क्योंकि 5 दिन पहले ये शेयर आप देख सकते हैं 4061 पे देखने को मिल रहा था। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न हो गए, वहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे 1 साल की बात आ जाती है कहानी कुछ और हो जाती है। 2500 के आसपास चलने वाला शेयर लगभग 4100 के ऊपर हो गया। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी हम लोग यहाँ पे देख लेते तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सो ये कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है। 5 साल पहले ये स्टॉक 350 के भी नीचे था, 350 के भी नीचे, समझ सकते हो आप 5 साल पहले। एंड 5 साल के बाद आप देख सकते हो क्या चार्ट पैटर्न है दोस्तों। एंड ऑल टाइम का भी चार्ट पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
जो कि आपके सामने अभी ओपन हुआ है, आप देख सकते हो कितना जबरदस्त चार्ट पैटर्न है। सो यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैं वापस ये आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदित्य बिरला कैपिटल बजाज फाइनेंस नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है, बट मैं हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ। अभी जो इसके चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, अभी जो इसके रिजल्ट दिख रहे हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसका बजाज फाइनेंस तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसने पहले अपने ही जो कुछ पुराने लेवल से उसको ही तोड़ना अनिवार्य बनता है। तो चलिए बजाज फाइनेंस से रिलेटेड एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिटेल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो इसका हाई है 52 एक हाई 4200 मतलब 4300 के आसपास हाई है, लो की बात करें तो 2350 के आसपास लो है। अगर फ्राइडे के दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30% की बाइंग है, एंड उसी के साथ साथ रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कितने फंडामेंटली स्ट्रांग, जो हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट 1,12,473 रुपीज़ इन लैक्स, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में 1,37,000। आप ही कंपेयर करके देख लेना रिजल्ट। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सिर्फ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसको मेंटेन करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत टफ बातें होती है, बहुत टफ बातें होती है। एंड इनके रिजल्ट ही इतने अच्छे, तो डेफिनेटली आप चार्ट पैटर्न ही आपको बताता है कि क्यों इसका चार्ट पैटर्न ऐसा है, रिजल्ट अच्छा है इसीलिए तो चार्ट पैटर्न अच्छा है। तो यही चीज़ है दोस्तों। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो जो आदित्य बिरला कैपिटल में आप लोगों को देखने को नहीं मिली, क्या नहीं देखने को मिली, डिविडेंड। आप देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहे, एंड डिविडेंड का अमाउंट देखिए कैसे बढ़ते चला जा रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल में आप लोगों को डिविडेंड ही देखने को नहीं मिला, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हम लोग नीचे जाएंगे, कॉर्पोरेट एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे किधर है डिविडेंड, क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद ही लॉस में है, कंपनी के पास पैसा नहीं, तो वो एक्सेस पैसा किधर से लाए जो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्किंग के ऊपर आपको गुमराह जरूर करेंगे, बट आप लोगों ने अपना ब्रेन अप्लाई करना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आप मेरे भी वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आप खुद सीखोगे ना तो आपको उसके बाद समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जिसका चार्ट पैटर्न इतना डाउन है, जो रिजल्ट नेगेटिव में देता है, यहाँ पे कोई भी मिसिंग डिविडेंड ही नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को आप इतने ज़बरदस्त स्टॉक के साथ, फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात रहती है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में वीडियो को क्लोज करने से पहले हम लोग इन दोनों स्टॉक को एक बार कंपेयर भी कर लेते तो और भी डिटेल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहली बात, 3 महीने का चार्ट पैटर्न, आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 4 से 5% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, बजाज फाइनेंस 2 से 2.5% के रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 3 महीने में होता है, शॉर्ट टर्म में सब कुछ पॉसिबल है, 1 साल की बात देख लेते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1 साल में आदित्य बिरला कैपिटल 0.31%, आप देख सकते कुछ भी रिटर्न नहीं, बजाज फाइनेंस 61% के रिटर्न। देखिए दोस्तों, रिटर्न जीरो होना इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, टीसीएस के भी रिटर्न देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा, बट वो टीसीएस है, वहाँ पे होल्ड करना बनता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे होल्ड रखेंगे तो आगे फ्यूचर में वो इतना भागेगा कि वो सारा हम लोगों का पिछले का जो होल्डिंग पीरियड का जो रिटर्न है वो हम लोगों को कमा के देने वाला है। बट फिलहाल ये स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लॉस है, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप एक एक साल होल्ड करोगे जहाँ पे आप लोगों को ना के बराबर रिटर्न मिलेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप क्यों आते हो, कि एक रिस्क उठा के ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। चलिए और लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख लेते हैं 5 साल का, तो ये देख लेना कहानी आपके सामने दोस्तों, 60% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है आदित्य बिरला कैपिटल, एंड बजाज फाइनेंस 130% के पॉजिटिव रिटर्न, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिसको आप कंपैरिजन करना चाहते हो, कोई कंपैरिजन नहीं है, इतने बढ़िया स्टॉक के साथ आप कंपेयर कर रहे हो आदित्य बिरला कैपिटल, वो बहुत ही गलत बात है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले वही डिस्क्लेमर एंड वही चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आदित्य बिरला कैपिटल ये स्टॉक में आप लोगों ने एंटर कब करना चाहिए। तो चलिए अभी आदित्य बिरला कैपिटल की शेयर में हम लोग आ जाते हैं। जैसे मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में कहा था, वैसे ही मैं आदित्य बिरला कैपिटल में भी कहूंगा, मैं खुद इसमें एंटर कर लूंगा दोस्तों। बट कब एंटर करूंगा, जब ये इसका अपना ओरिजिनल लेवल तोड़ दे, 237 तक ये शेयर जब जाएगा तब मैं इसमें एंटर करूंगा। आप बोलोगे सर इतना लंबा प्राइस का डिफरेंस है, उसके बाद करोगे, हाँ दोस्तों, क्योंकि लोगों ने यही गलती की है एंड लोग इसमें अटके हुए हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग, मेरे पुराने वीडियोज़ हैं आप जाके देख सकते हो, मेरा सबसे पहला वीडियो आदित्य बिरला कैपिटल पे ही मैंने बनाया था, एंड इसी से रिलेटेड मैं मार्केट में यूट्यूब पे आया था बताने के लिए दूसरों को कि ये शेयर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तभी भी मैंने वीडियो बनाया था, आज भी आप देख सकते हो मेरा वो जो सबसे पहला वीडियो है आदित्य बिरला कैपिटल का, वो वाला देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा खासा भाषण नहीं दिया है, मतलब मेरे वोकेबुलरी इतनी अच्छी नहीं थी, स्पीच अच्छा नहीं दिया, बट आप देख सकते हो कि तभी प्राइस क्या था, मतलब इतना टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया अभी इस चैनल को, फिर भी वो प्राइस कहाँ पे एंड अभी ये शेयर कहाँ पे चल रहा है। उसके बाद भी मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि बजाज फाइनेंस एंड आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर मैंने 6 से 7 महीने पहले भी एक वीडियो बना दिया था सेम टॉपिक के ऊपर, जब इसको कंपेयर किया जा रहा था, सिमिलर चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की थी, तभी भी
इस शेयर का प्राइस आप लोगों को 90 के ही आसपास देखने को मिल रहा था एंड बजाज फाइनेंस तभी 3000 के रेंज में 3300 के रेंज में था, आज बजाज फाइनेंस 4100 हो गया एंड आदित्य बिरला कैपिटल वही का वही है। तो ओवरऑल कहानी यही बनती है दोस्तों कि जब तक कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, मैंने ये और एक वीडियो कल बनाया था येस बैंक से रिलेटेड भी, मैंने यही कहा था कि ऐसे दिक्कतों के साथ जब स्टॉक जाता है तो आप उसमें क्यों पढ़ते हो, रिटेल निवेशक ऐसे स्टॉक में पढ़ते, जब सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी, जब कंपनी का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। एक बिल्डिंग खड़ी कब होती है, जब उसका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग खड़ी कब होगी, तो वो बेस पहले बनाने दो कंपनी को। ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है वो उसका बेस है, जब 237 में कंपनी पहुंच जाएगी ये इसका बेस है ना, वो फिल हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे ना तो आप स्मार्ट निवेशक कहलाओगे, वरना आप लोग ऐसे ही पैसा डाल के फंसे रह जाओगे। तो ओवरऑल यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आदित्य बिरला कैपिटल में जो लोग भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो यही कहना चाहूंगा मैं फ्रेश एंट्री के लिए अभी भी नाम बोलूंगा जो मैं 1.5 साल पहले बोल रहा हूँ, जब तक ये स्टॉक 237 के रेंज तक नहीं आता, जब तक ये अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करता, क्वार्टरली रिजल्ट में सुधार नहीं दिखाता एंड वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने कल भी बोला था कि एक बार सेंचुरी लगा के कोई मतलब नहीं है, आप में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेंचुरी लगाने की, तब जाके आप विराट कोहली जैसा बनोगे। तो यही मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो उसके बाद वापस चेकआउट करना है, क्या वो रिजल्ट को अच्छा मेंटेन कर पा रहे, क्या वापस वो मेंटेन कर पा रहे एंड उसके बाद आप लोगों को चार्ट पैटर्न ही बता देगा कि ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड बनना शुरू हो चुका है, तो उसके बाद आप आदित्य बिरला कैपिटल में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, ना कि अभी। सो यही कहना चाहूंगा वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों कि आई होप आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड अगर इस चैनल में नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।